नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज का अड्डा पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम आवास न्याय सम्मेलन के बारे में, जो कि आधारित है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के ऊपर। दोस्तों आज 25 सितंबर 2023 को राहुल गांधी जी का बिलासपुर का दौरा था, जहां पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा आवास न्याय सम्मेलन रखा गया था। दोस्तों इसके तहत छत्तीसगढ़ के जितने भी आवासहीन हितग्राही है उनके खाते में आवास का पैसा भेजा गया। तो आइए सुनते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या कहते हैं। ये बताओ कि आवास योजना कब से शुरू करी, सब कौन सरकार शुरू कर रही थी? दिनेश कांग्रेस तो कई देश कौन से सन से शुरू हुई? 1985 वो समय प्रधानमंत्री कौन रही से? राजीव जी। और ये योजना के का नाम रही से? इंदिरा आवास। सब जानते इंदिरा आवास। वो समय राजीव जी गरीब के सिर में भी छत होना चाहिए, ओकरो मकान बनना चाहिए, ये योजना की शुरुआत करी। और इंदिरा जी से मन अतेक चीड़ थे, वो नामेल बदल दी वो योजना के और प्रधानमंत्री आवास हो गए। प्रधानमंत्री आवास में आधा पैसा केंद्र दे थे, आधा राज्य दे थे, नहीं तो पहली कद का अवधि से 100%, फिर 85-15, आज 60-40। भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन खूब हल्ला करीस, आवास योजना बंद हो गए, आवास योजना बंद हो गए। आवास योजना कांग्रेस पार्टी कभी बंद नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी वाले मन बंद कर दे। जनगणना हो नहीं है, 2021 में होना रही थी जनगणना, जनगणना नहीं हुए, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुए। अभी जब का आवास मिला थे 7 लाख मल्ला, वो कौन आधार पे? 2011 के जनगणना के आधार पे। अभी राहुल गांधी जी बटन दबाई से और सब जतका भी हितग्राही है तेकर खाता में पैसा पहुंचे के शुरू हो गए। मैं पूछत रहे सुब्रत साहू जी ले कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे, तो कहा अतरी से अभी 1 लाख आदमी मन के खाता में पैसा पहुंच गए। कोनो मोबाइल चेक करे तो बताओ तो काकर खाता में पैसा है, काकर खाता में पैसा है? कोनो मोबाइल चेक करे देखे हो? हाँ, कुछ साथी मन के खाता में पैसा आ गए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।